हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब? उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मज़े में होंगे और तैयारी भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हम आपके बीच में ऐसे ही यूं ही लगातार बने रहेंगे अपने प्यारे रसगुल्लों के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 7वें चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर से देखने वाले एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड के प्रयोगशाला विधि को, तो आज हम देखेंगे डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि और साथ ही इससे संबंधित रासायनिक समीकरण, बोले तो रासायनिक गुण। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चों गिने चुने ही आपकी प्रयोगशाला विधियां ऐसी हैं जो हमने लिखाया भी है, 5 से 6 ऐसे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो उनमें से एक ये भी है भैया। और पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है रसगुल्लों, ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा। तो भाई यहाँ पर 5 नंबर की बात है, इसलिए अच्छे से समझना होगा आपको डाई एथिल ईथर के बनाने की विधि को। देखिए, बहुत कुछ डिफिकल्ट होता नहीं है, बस आपको ओनली क्या करना है, फिगर को समझना होता है। ये चीज़ें जो आपके सामने इतनी लिखी है ना, हो सकता है आपके लिए भाई थोड़ा क्या है मुश्किल लगे कि इतना हम रटेंगे कैसे, कितना रट्टा मारेंगे, कैसे होगा। कुछ नहीं करना बच्चों, नहीं रटना है, नहीं समझना है क्या कुछ क्या इसमें है, बस आपको फिगर समझना है। और लगभग सबका फिगर एक जैसे होता है, बस थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है। तो अगर आप इसका सिस्टम पूरा देखें तो एक गोल पेंदी का फ्लास्क लगा है, इसमें एक थर्मामीटर लगा हुआ है, फिर इसमें क्या है, एक ये संघनित्र है, ठीक, और साथ में यहाँ पर एक ग्राही पात्र रखा गया है। और ये जो ग्राही पात्र है ये क्या है, बर्फ के टुकड़ों से भरे हुए एक पात्र में रखा गया है ताकि ये उसको ठंडा करता रहे। और नीचे यहाँ पर देख सकते हैं बर्नर की सहायता से आग लगी हुई है। अब यहाँ पर ये तो पूरा सिस्टम हो जाता है कि मतलब पूरा का पूरा भैया इसका यानी प्रयोगशाला विधि में बनाने के लिए क्या कुछ सेट करते हैं। अब ध्यान से समझना कि डाई एथिल ईथर बनाते कैसे हैं। तो डाई एथिल ईथर बनाने के लिए भैया प्रयोगशाला में, यानी ये गोल पेंदी का फ्लास्क आपको दिख रहा ना बच्चों, ये जो आपको गोल पेंदी का फ्लास्क दिख रहा है, तो सर्वप्रथम करते क्या है, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में देखिए लेते क्या है, एथिल अल्कोहल और साथ में आप सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, दो चीज़ आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो एथिल अल्कोहल है और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तो यहाँ पर लिख देते हैं, समझिएगा भैया यहाँ पर करते क्या है, ध्यान से समझना, इस गोल पेंदी के फ्लास्क में सबसे पहले C2H5OH और साथ में दूसरा क्या होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, बोले तो H2SO4। तो इन दोनों को बच्चों अगर हम बात करें तो भैया इन दोनों को ले लेते हैं 2:1 यानी 2:1 के अनुपात में, ठीक है। इतना समझ में आया कि सर्वप्रथम क्या करते हैं प्रयोगशाला में, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को 2:1 के अनुपात में लिया जाता है। फिर करते क्या है बच्चों, इसको करते क्या है भैया, फिर इसको बालू ऊष्मक की सहायता से, ध्यान से समझिएगा, इसमें ये बालू ऊष्मक मतलब इसलिए यहां पर रखा जाता है ताकि भैया जो फ्लेम है डायरेक्टली जार के संपर्क में यानी गोल पेंदी के फ्लास्क के संपर्क में ना आए। फिर करते क्या है वही चीज कि इसको बालू ऊष्मक की सहायता से, ये नीचे आप देख रहे हैं ये बर्नर है, इसको करते क्या है, गर्म करते हैं। इतना बात भी, इतनी बात समझ में आ गई कि सर्वप्रथम हमने बताया गोल पेंदी के फ्लास्क में भैया करते क्या, एथिल अल्कोहल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को 2:1 के अनुपात में लिया जाता है। फिर क्या करते हैं बच्चों, इसको एक बालू ऊष्मक की सहायता से लगभग हम टेम्परेचर की बात करें तो 140°C ताप पर गर्म करते हैं, यानी ये प्रोसेस दो होता है, 100 बार मतलब 100°C पर तो कुछ कंपाउंड बनता है, फिर जब उसको 140 पे गर्म करते हैं तब जाकर के आपका ये बनता है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 140°C तक गर्म किया जाता है। अब गर्म करने के बाद होता क्या है, जो ईथर होता है भाई इसमें से ईथर बनेगा, वो ईथर बच्चों यहां पर ध्यान समझना, ये जो आपका संघनित्र है
इससे प्रवाहित होते हुए। अब संघनित्र का काम क्या है, यही एक तरफ से ठंडा जल इसमें डालते हैं, दूसरी तरफ से बाहर निकलता है, तो ये इसको क्या करता है, ठंडा करता रहता है। किसको, डाइएथिल ईथर को, ताकि उसमें जो जलवाष्प वगैरह है वो अलग हो जाए बूंदों के रूप में। तो ये क्या होता है, जो डाइएथिल ईथर बनता है वो क्या है, बर्फ के टुकड़े। इसमें आपको जो दिख रहे हैं, ध्यान से समझना, आपको इतना शायद हाईलाइट ना हो ये चीज, ऐसे ऐसे इसमें जो हाईलाइट है भैया, ये बर्फ के टुकड़े हैं। तो बर्फ के टुकड़ों से भरे एक जार में क्या किया जाता है, इसको, यानी जो डाइएथिल ईथर होता है भैया, इसी को ग्राही पात्र में एक इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन एक चीज यहां पर, एक प्रॉब्लम ये होती है कि यहां पर बीच में ये जो दिख रहा है यहां, ये वाला, ये ग्राही पात्र में हम डाइएथिल ईथर को इकट्ठा तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इसमें ये जो एथिल अल्कोहल है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है ना, और इसमें जल था, तो इन तीनों का अंश उसमें बचा रह जाता है। फिर करते क्या है, तो उसको बाहर निकालने के लिए, यानी जो कुछ अशुद्धियां होती हैं भैया, उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले H2SO4 का की अशुद्धि निकालना है तो उसको कास्टिक सोडा के साथ धो देते हैं। फिर उसके बाद C2H5OH, ठीक है, C2H5OH, और साथ में जो जल का अंश होता है इसको किससे द्वारा दूर करते हैं, तो CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड के साथ, मतलब इसको, मतलब क्या करते हैं, मिला करके एकदम निर्जल प्योर शुद्ध यानी डाइएथिल ईथर बनता है। अब तो समझ में आ गया होगा भाई, शायद ये नीचे नहीं दिख रहा था, चलिए कोई बात नहीं, इतना समझना भी नहीं है अभी, ठीक। तो प्रोसेस पूरा समझ में आ गया ना, हमने क्या बताया, अब एक बार फिर से सरसरी निगाह से समझ लेना, गारंटी है बस माइंड में घुस जाएगा। हमने कहा एक एथिल अल्कोहल सान सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को 2:1 के अनुपात में ले लेते हैं, फिर उसको बालू उष्मक की सहायता से लगभग 140 अंश सेल्सियस तक इसको गर्म करते हैं। इससे क्या होता है, डाइएथिल ईथर बन जाती है, और इस डाइएथिल ईथर को एक बर्फ के टुकड़ों से भरे हुए एक ग्राही पात्र में इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन इसमें साथ में भैया बताया ना, एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल तथा जल, ये तीनों अशुद्धियाँ मिली होती हैं, इनको दूर करने के लिए सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल को कास्टिक सोडा के साथ धो दिया जाता है, मतलब दूर करने के लिए, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर दूर करना है तो उस अशुद्धि को दूर करने के लिए कास्टिक सोडा विलयन के साथ धोते हैं, तथा उसके बाद जो एथिल अल्कोहल है और जल को अगर दूर करना है तो उसको कैल्शियम क्लोराइड के विलयन के साथ धोते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से एकदम से निर्जल, बोले तो प्योर डाइएथिल ईथर बन जाता है। बस इतना सा सीन है भैया, जो कुछ समझना इसी फिगर में। अब चलिए आ जाते हैं रसगुल्लों। देखिए हमने क्या बताया कि सर्वप्रथम एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में एथिल अल्कोहल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है, इसके मिश्रण को 2:1 के अनुपात में लेकर के बालू उष्मक की सहायता से क्या करते हैं, गर्म करते हैं। फिर उसके बाद हमने बताया कि भैया 140 अंश सेल्सियस पर गर्म करने से जो ईथर होता है वो बर्फ के जल में रखे जो ग्राही पात्र होता है वहां पर उसमें एकत्रित होने लगता है। लेकिन हमने बताया ना भैया कि ईथर में सल्फ्यूरिक अम्ल और एथिल अल्कोहल तथा जल की अशुद्धियां होती हैं, ठीक है। और इसमें बताया था कि सल्फ्यूरिक अम्ल की अगर अशुद्धियों को दूर करना है तो उसके लिए कास्टिक सोडा यानी NaOH विलयन के साथ क्या करते हैं भैया, इसको यहाँ पे धोते हैं, ये होते लिखा है तो धोते हैं, तथा जो एथिल अल्कोहल होता है वह जल होता है, इनकी अशुद्धि को दूर करने के लिए इसे कैल्शियम क्लोराइड, बोले तो CaCl2, ठीक है ना, इस विलयन के साथ क्या करते हैं, विलयन में यानी रख देते हैं, जिससे शुद्ध डाइएथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। तो है ना आसान, बड़ा ही आसान है, अब इससे आसान तो भैया नहीं मिल सकता हमारे ख्याल से। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, ठीक है ना, चलिए भाई इसको पूरा का पूरा रफ कर देते हैं एकदम बढ़िया से, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन को, ठीक है ना, किसको समझेंगे, रिएक्शन को। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले, हो गया। चलिए अब देखते हैं इससे संबंधित जो आपकी अभिक्रिया है, चलिए भैया देखिए इसमें हमने क्या बताया कि करते क्या है, इसमें आपको क्या लेना होता है, C2H5OH,
और साथ में क्या चाहिए होता है बबुआ? और साथ में लिया जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक, अब इसको जब लेते हैं तो भैया इसको हम करेंगे गर्म। अब इसको जब गर्म करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले लगभग ये 100 से 110, ठीक है, यूं कह लें कि 100 अंश सेल्सियस तक, सबसे पहले 100 से 110 तक होता है, तो हम यूं कह लें 100 अंश सेल्सियस तक अगर हम जब गर्म करते हैं तो क्या बनेगा? C2H5, एक H निकाल लीजिए, SO4, बाकी H2O जल बाहर, यह जल बाहर हो जाएगा क्योंकि H2 यहां से, O यहां से, एक निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहां पर बन गया C2H5OH, ठीक, OH नहीं होगा, C2H5। उसके बाद हमने बताया ना कि यहां पर H लिख लीजिए, फिर SO4, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया, C2H5HSO4। अब H2O है भैया, तो यहां पर क्या बन गया? H2O, यानी जल भी क्या हो जाएगा? बन जाएगा। क्लियर ये चीज? लेकिन ये भी पूरा थोड़ी ना है, पहले हमने बताया ना, उसमें कहा गया कि 140 अंश सेल्सियस तक गर्म कर दें, यानी 100 से 110 जब गर्म करेंगे लगभग, यानी 110 तक के, तो ये बन जाएगा। अब गर्म करना है किसको? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को। तो भैया यहां पर क्या करेंगे? C2H5HSO4, इसको फिर से गर्म करेंगे किसके साथ? एथिल एल्कोहल के साथ, क्योंकि उसमें बताया था ना कि भैया एक ऊपर कीप भी लगी होती है, फिगर में भी आपने देखा, तो बूंद बूंद करके उसी में से फिर से ऊपर से डालते रहते हैं क्या चीज, तो डालते रहते हैं भैया C2H5OH, ये जब डालते रहते हैं, ठीक है, तो इसको अब की बार गर्म करना है कितने टेम्परेचर पर रसगुल्लों? तो 140 अंश सेल्सियस। अब की बार भैया इसको 140 अंश सेल्सियस तक गर्म करेंगे, तो हमको डाई एथिल ईथर बनाना है C2H5। ध्यान से समझना, C2H5 यहां से निकाल लिया, एक O ले लिया, तो भैया यहां पर मान लेते हैं हमने O ले लिया, फिर इधर भी C2H5 है, तो भैया C2H5 हो गया, ठीक है, डाई एथिल ये ईथर बन गया। अब क्या बचता है? एक H यहां बचा है, एक भाई O तो हमने ले लिया, तो यहां पर उसके बाद एक H यहां पर भी बचा है, तो ये बन जाएगा आपका H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड आपका फिर से ये बन जाएगा, ठीक है ना, फिर से एक सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, और हमारा यही क्या है बच्चों? मेन कंपाउंड है, यही क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भैया डाई, एक मिनट, थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया टेक्स्ट, यही हो जाएगा आपका डाई एथिल ईथर, ठीक है ना, डाई एथिल ईथर। तो ये क्या हो जाता है? प्रयोगशाला विधि, याद रखना बच्चों, ये प्रयोगशाला विधि के लिए आपका इक्वेशन है, ठीक है ना, ये प्रयोगशाला विधि, एक प्रयोगशाला विधि के लिए, भाई विधि क्या होती है वो तो हमने देख ही लिया है, बाकी बच्चों आपको पूरा नहीं करना, केवल प्रयोगशाला विधि लिखने के बाद रिएक्शन लिख देंगे, हिंदी नहीं लिखना है, कि हाँ लिखना चाहते हैं एक दो लाइन में लिख भी सकते हैं कि एथिल एल्कोहल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को, मतलब क्या करते हैं, जब प्रयोगशाला में 140 अंश सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। बाकी यहाँ रिएक्शन अगर देखेंगे तो दो स्टेप में होता है, सबसे पहले इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा साथ में जल, फिर से जब इसको एथिल एल्कोहल के साथ गर्म कर देते हैं तब बन जाता है डाई एथिल ईथर, आपका जो मेन कंपाउंड है और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड। आई बात समझ में बच्चों? चलिए भैया इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं रासायनिक गुण को। हो गया रसगुल्लों? चलिए अब देखते हैं भैया रासायनिक गुण को। चलिए अब हम देखते हैं भैया रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में 2 से 3 रासायनिक गुण देखेंगे, क्योंकि पूछेगा ही ऐसे। डाई एथिल ईथर के बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इससे संबंधित अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है ना, तो ये ध्यान देना है बच्चों। चलिए लिखते हैं भैया, सबसे पहला क्या है रसगुल्लों?
पहला है एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। ठीक, देखिए हिंदी हम बार बार बोलते हैं भैया कि हिंदी आपको वहां लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल ऐसे लिखेंगे एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, फटाक से रिएक्शन लिख दीजिए। हम इसलिए लिखते हैं ताकि अभी के टाइम में आप याद कर सकें इसको, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर पहला है एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। तो निर्जल जिंक क्लोराइड तथा एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक, की उपस्थिति में डाई एथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एथिल एसीटेट बनता है, ठीक है ना। चलिए इसे समीकरण को हम देखते हैं, क्या बोल रहा है कि भैया निर्जल जिंक क्लोराइड अथवा एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में डाई एथिल ईथर, तो C2H5O, ठीक है ना, हो गया ये डाई एथिल ईथर हो गया, इसकी क्रिया कराना है एसिटिल क्लोराइड से, तो भैया हो जाएगा CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा, है ना भैया, इसकी क्रिया एसिटिल क्लोराइड से हो रही है बबुआ। अब अगर यहाँ पे आप लिखना भी चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, एक मिनट, आप अगर लिखना भी चाहते हैं तो क्या क्या बोल रहा है, किसकी उपस्थिति में निर्जल जिंक क्लोराइड, तो भैया हो जाता है निर्जल ZnCl2, या फिर कह रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो भैया क्या बनता है, कह रहा है भाई इसको जब गर्म करते हैं एथिल एसीटेट। अब एसीटेट के लिए मेरे प्यारे रसगुल्लों आपको बताया था क्या होता है, भैया एसीटेट कब पढ़ते हैं, जब CH3CH3CH3COO जब ये होता है तो एसीटेट पढ़ा जाता है बबुआ। तो CH3CO यहां पे है, एक O यहां का ले लिया, अब C2H5 चिपका देते हैं इसमें, तो C2H5 हो गया, तो यहां पर इधर एसीटेट होगा, इधर को इधर एथिल पढ़ेंगे, इधर पूरा एसीटेट बन गया एथिल एसीटेट। अब क्या बचा हुआ है, एक C2H5 बचा है और यहां पर Cl बचा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया C2H5Cl, नाम भैया क्या हो जाएगा इसका, एथिल क्लोराइड, यानी आपका ये एक हैलो एल्केन बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, नाम लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, ये है भाई एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, ठीक है ना, यही मेन कंपाउंड है एथिल एसीटेट। बाकी हमने ये बताया कि ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड है, ठीक। अब इसको तो पता ही है, इसके बारे में पढ़ ही रहे हो, क्या है, डाई एथिल ईथर, काफ़ी सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक। बस इतना याद रखना बच्चों, बस ये आपको कैसे करना है, ठीक है ना। चलिए, छाप लीजिए, हो गया भैया। चलिए आगे चलते हैं, अगली रिएक्शन यानी अगला रासायनिक गुण देखते हैं, दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या है भैया, दूसरा कह रहा है जल अपघटन, यानी इसके जल अपघटन से क्या होता है। तो उच्च ताप व दाब पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब एथिल बोले मतलब जो ईथर कह लें या डाई एथिल ईथर का जल अपघटन कराते हैं तो बन जाता है एथिल एल्कोहल, क्या बनता है, एथिल एल्कोहल। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं भाई फार्मूला, ठीक भाई, हम फार्मूला लिखेंगे किस चीज का, तो डाई एथिल ईथर, तो C2H5O C2H5, तो डाई एथिल ईथर, क्योंकि दो बार है एथिल तो इसलिए डाई एथिल, डाई शब्द कहा गया है भाई। इसका जल अपघटन कराना है, जब भी जल अपघटन की बात आए तो बच्चों H2O, ठीक, जल अपघटन कराते हैं। अब जल अपघटन जब कराते हैं भैया तो क्या बन जाता है, तो पहले उसके पहले भी थोड़ा देख लीजिए किसकी उपस्थिति में कह रहा है, तो भैया एक चीज याद रखना, उच्च ताप व दाब रहेगा, उच्च ताप व दाब रहेगा, और किसकी उपस्थिति में, तो यहां पे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो तनु H2SO4,
इसकी उपस्थिति में जब गर्म करते सॉरी जल अपघटन कराते हैं, इसको नहीं लिखेंगे वही चीज, जल अपघटन कराते हैं तो क्या बन जाता है, एथिल एल्कोहल बनेगा। अब एथिल एल्कोहल बनेगा तो भैया एथिल एल्कोहल का फार्मूला याद रखना, देखिए C2H5 भैया एक O है यहां से ले लेते हैं, एक H यहां है तो यहां से OH ये बना। गौर से समझिएगा, C2H5 एक O ले लेते हैं एक H, अब यहां पर एक H बचा है एक O यहां बचा है C2H5, तो कहने का मतलब एक और बन जाएगा बच्चों C2H5OH। ठीक, तो कहने का मतलब एल्कोहल के दो अणु प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना, एल्कोहल के दो अणु बन जाएंगे क्योंकि एथिल एल्कोहल ये भी है, एथिल एल्कोहल ये भी है, सिंपल सा है, इसमें कुछ बैलेंस नहीं करना क्योंकि C2H5 एक O निकाल लिया, एक यहां से H ले लिया तो यहां चिपका दिया, फिर C2H5 है एक यहां पर H बचा हुआ है अभी और एक O बचा हुआ है तो वहां चिपका दिया, तो ये क्या बन गया आपका, ये होता क्या है भैया, यही तो है ना बच्चों, क्या है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ठीक है, एथिल एल्कोहल। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक, अब अगली है तीसरी रिएक्शन दहन, काफी ज्यादा पूछा जाता है कि डाई एथिल ईथर का दहन कराने पर, यानी जब दहन कराते हैं बोले तो उसको जलाते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन से यूं कह लें क्रिया कराते हैं तो क्या होगा, तो ध्यान देना, अधिक ज्वलनशील होने के कारण यह शीघ्रता से जलता है तथा वायु के साथ यह विस्फोटक मिश्रण बनाता है। मतलब अगर हम डाई एथिल ईथर को वायु से क्रिया कराते हैं C2H5O फिर C2H5, आपको ये सब हिंदी उन्दी नहीं लिखना वहां पर बच्चों, ठीक है, इसकी क्रिया कराते हैं किसके साथ, O2 ऑक्सीजन के साथ। ऐसा क्यों करा रहे हैं भाई, क्योंकि इसमें है ना कि दहन कराएंगे उसका, जब इसको जलाएंगे तो कह रहा है कि ये एक विस्फोटक पदार्थ देता है। अब विस्फोट कब होगा, जब CO2 गैस बन जाएगी भाई, किसी व्यक्ति के बॉडी के अंदर भी अगर CO2 बन जाते हैं ना, समझो वो क्या है, एक बम का गोला ही लेकर टहल रहा है, क्योंकि गैस की प्रॉब्लम क्या होती है हर कोई अगर जानता है इस बात को, ठीक है ना, तो ये खतरनाक होता है बॉडी के अंदर भी, जब इतना खतरनाक होता है, ठीक, तो ये शरीर के बाहर अगर ये विस्फोट होगा तो कितना खतरनाक होगा। तो कहने का मतलब एक तो यहाँ पर बन जाएगा बच्चों CO2, अब CO2 साथ में भैया जल की मात्रा भी बाहर निकलेगी, ठीक है ये चीज, बट एक चीज़ ध्यान देना बच्चों, ये रिएक्शन बैलेंस है नहीं, तो आपको थोड़ा संतुलित करना पड़ सकता है, ठीक, संतुलित करना पड़ सकता है, ध्यान से समझना। CO2 कार्बन कितने हैं, तो दो और दो चार कार्बन हैं, ठीक है ना, तो अगर हम चार लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए समझिएगा, तो चार कार्बन बराबर, अब चार दुने आठ ऑक्सीजन हो गया, तो पहले ऑक्सीजन गिन लेते हैं भाई, तो यहाँ पर दो और एक तीन ऑक्सीजन है, ठीक है, हाइड्रोजन गिन लेते हैं पहले, पाँच और पाँच दस हाइड्रोजन, तो भैया यहाँ पर पाँच लगाना पड़ेगा, पाँच दुना दस हाइड्रोजन, अब ऑक्सीजन गिन लीजिए, चार दुना आठ और आठ यहाँ पे पाँच है तेरह, आठ पाँच तेरह हो गया भैया, तो तेरह कैसे होगा, तो छः दुना बारह, छः लगाना पड़ेगा, छः दुना बारह एक तेरह, अब तेरह हो गया, अब तो शायद बराबर हो गया है ना भैया, तो ये CO2 यानी एक विस्फोटक पदार्थ बनाएगा, ठीक, चार कार्बन है, चार कार्बन है बराबर हो गया, चार दुना आठ आठ पाँच और तेरह ये हो गया ऑक्सीजन, तो छः दुना बारह एक तेरह ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पाँच दुना दस, उसके बाद पाँच और पाँच दस, हाँ एकदम बराबर हो गया, तो ये हो जाएगा डाई एथिल ईथर के रासायनिक समीकरण, बोले तो रासायनिक गुण। चलिए इनको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया मेरे प्यारे रसगुल्लों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो आपको आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से एक लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर ऐसे ही पहुंचते रहें, क्योंकि अब की बार भाई 90 प्लस फोड़ना है। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ एक प्यारा सा कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ दीजिएगा।